बहरहाल स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट 12th पॉइंट एंड दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। तो जी मिस इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? मिस इन्फॉर्मेशन से मुराद कोई भी ऐसा आपका एडवर्टाइजमेंट, कोई भी आपकी एड के अंदर ऐसा क्लेम, कोई ऐसी डिस्कशन जो कि दुनिया जिस चीज़ को मानती है उससे वो अगेंस्ट हो, तो उस चीज़ को मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर तसव्वुर किया जाएगा। और एट द एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि आपका फेसबुक ऐड या तो बंद हो जाएगा या आप पे किसी किस्म की पॉलिसी वायलेशन लग जाएगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है वो नुकसान उठाएंगे। तो और आपका हो सकता है कि आईडी भी ब्लॉक कर दी जाए। मिस इन्फॉर्मेशन की कैसे डिटेक्ट करता है फेसबुक? तो फेसबुक के अपने एल्गोरिथम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटराइज पीछे मैकेनिज्म होता है और वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ एड्स को चेक कर रहा होता है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन कि कोई फॉल्स क्लेम तो नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि गलत हो, जो गलत बयानी से काम लिया जा रहा हो, तो वो उसको ब्लॉक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आप वेट लॉस की मेडिसिन आप सेल कर रहे हैं, वेट लॉस की प्रोडक्ट है आपकी और आप क्लेम कर रहे हैं कि जी आप उसको इस्तेमाल करें और 30 डेज़ के अंदर आप गारंटीड आपका 60 kg वज़न कम हो जाएगा या 20 kg वज़न कम हो जाएगा, जो भी आपका क्लेम है। तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस तरह के क्लेम्स हवा में होते हैं, इनका रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो फेसबुक इजीली इनको डिटेक्ट कर लेता है और फिर ये इश्यूज़ बाद में जो है आपके लिए बनेंगे। इसी तरीके से आपने कोई प्रॉफिट का क्लेम कर दिया, कोई ऐसी चीज़ जो कि रियल रियलिटी से हटकर है, कोई आप प्रोडक्ट के ऊपर कोई गारंटी ऐसी दे रहे हैं कि जी मनी बैक गारंटी है और जी हम पैसे रिटर्न कर लेंगे और हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, तो डेफिनेटली फेसबुक को ही पता है कि लेजिटिमेट बिजनेस इस तरह की गारंटीज़ नहीं देते, इस तरह की कोई वारंटी नहीं देते, इस तरह के कोई प्रॉफिटेबल क्लेम्स नहीं देते। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुद्दा वही है, बात वहीं की वहीं आके रुक जाती है कि कोई भी ऐसा एड, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की सेलिंग जो उसके कस्टमर को मिसलीड कर रही हो, झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही हो, फेसबुक उसको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें जो कुछ दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WHO है, आपको पता है कोविड इस टाइम पे इज़ द मोस्ट, मतलब इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मचा हुआ है। तो WHO के कुछ डेटाबेसिस हैं, कुछ क्लेम्स हैं जो WHO एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इसको बैक कर रही होती है कि आप कोविड के हवाले से ये बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी मोरिंगा फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी मशहूर हमारे यहाँ नेचुरल वो है, जी मोरिंगा लीव इस्तेमाल कर लें जी आपका कोविड जो है वो ठीक हो जाएगा। या आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आई जिन्होंने आके बोला कि जी आप ये कर लें और आपका जो है वो COVID-19 ठीक हो जाएगा। तो WHO की कुछ रेगुलेशंस हैं, उनको उन्होंने फॉलो करना है और उसके हिसाब से लेके चलना है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं क्लैश आ रहा होगा तो भी फेसबुक आपका ऐड जो है वो क्लोज कर देगा।